अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना जीजी कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए वाइट चिकन कढ़ाई। खूबसूरत कलर इसका वाइट। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कढ़ाई है तो मैं कढ़ाई में ही इसको रख रही हूँ। तो हमने इतनी मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई कैसे बनाई है, तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ मैं आपको वाइट चिकन कढ़ाई की, जिसके लिए मैंने 1 kg जो है वो लिया है चिकन, धो के बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसमें 1 कप ऑयल इस्तेमाल करूँगी, 1 कप दही लिया है जिसको मैंने फेंट लिया है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, तेज़पत्ता है, दालचीनी है और सब्ज मिर्ची है, इसको मैं लूँगी अपने तड़के में। यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं जो कुछ इस तरह हैं। काली मिर्ची ली है 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्ची 1 teaspoon, यहाँ मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon और धनिया पाउडर 1 tablespoon। क्रीम मैंने लिया है 4 tablespoon। आप इसकी जगह पे मलाई आपके पास हो फ्रेश, उसको आप अच्छी तरह फेंट लें तो आपकी क्रीम बन जाएगी, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक लिया है, ये मैंने इस हिसाब से लिया है, जब मैं इसको पीसूंगी तो ये दोनों मिला के 1 tablespoon हो जाएंगे, और मिर्ची भी पीसूंगी तो 1 tablespoon के राउंड ये हो जाएगी। और ये हमारा प्याज है 2 अदद, ये इसी का हिस्सा है, 2 अदद मीडियम समझ लें, तो 2 अदद हमारी प्याज है। चले सामने पहले हम इसको पीस लेते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ मैं पीस लूँगी और प्याज अलग से पीस लूँगी। तो चले मिलते हैं अपना मसाला पीसने के बाद। आते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने तकरीबन 1 कप ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हमने इसमें डाल दिया जो हमने लिए थे तड़के के लिए, दालचीनी, तेज़पात और छोटी इलायची, बस ये भी हो गया। इसके साथ हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन अदरक का और हरी मिर्ची का। बर्तन अपना अच्छी तरह से साफ़ कर लें, वेस्ट ना हो कोई भी चीज़। इसकी लहसुन की थोड़ी सी खुशबू ख़त्म हो जाए तो फिर हम डालते हैं अपना चिकन। बहुत इजी सी रेसिपी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसके साथ हम डाल देते हैं चिकन अपना। वन केजी हमने चिकन लिया है, अब इसको कम से कम हम 3 से 4 मिनट तक इसमें भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि चिकन अपना पानी भी छोड़ दे और इसका पानी ड्राई भी हो जाए। इसमें 2 मिनट हो गए हैं इसको, अभी देखिए इसने अपने ये झाग आने का मतलब यही है कि इसके अंदर से पानी अच्छी तरह खुशक होना शुरू हो गया। 1 मिनट हम इसको और इसमें भूनेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनने वाली डिश है, आज से पहले हमने शादियों में जाके खाते हैं, शादियों में ये बहुत ज़्यादा बनता है, होटल में जाके खाते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी के साथ आप घर पे इंजॉय करें, घर पे बनाएं, इसको इंजॉय करें। बहुत क्रीमी, बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है ये, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। देखिए ये तकरीबन ये सारी की सारी चिकन हमारी डन होगी, इसके अंदर से जितना पानी था वो खुशक हो गया। और हम इसमें फिर डालते हैं अपने बाकी के मसाले। अब हम डालेंगे इसमें जो हमने प्याज अपना पीसा था वो डाल देंगे। इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमारी वाइट कढ़ाई का मकसद ही यही है कि इसका कलर जो है वो वाइट रहे, इसलिए इसमें हल्दी भी नहीं डलेगी, इसमें टमाटर भी नहीं डलेंगे। तो प्याज भी इसलिए हमने बाद में डाली क्योंकि हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना था, प्याज अगर हम पहले डालते तो इसका कलर चेंज हो जाता। ये देखिए फर्स्ट क्लास सी हो रही है ये, प्याज का पानी थोड़ा सा जल जाए फिर हम अपने दूसरे मसाले डालते हैं इसमें। अब हम डालते हैं इसमें दही जो हमने 1 कप लिया, और इसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी क्योंकि दही इसके साथ बॉल के साथ लगा हुआ है, ताकि ये वेस्ट ना हो। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए हम इसको
पकने के लिए छोड़ते हैं ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ये मिक्स हो गया, हम लीड लगाते हैं और मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। अब आ रही है हमारे मसाले की, स्पाइसेस की। नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है और काली मिर्ची भी डाली है, सफ़ेद मिर्ची भी डाली है। चिकन के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने नमक मिर्च लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो अब हम इसको छोड़ते हैं चिकन के गलने तक। हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएगा, तकरीबन 5-6 मिनट के बाद फिर हम इसको देखेंगे। 5-6 मिनट में चिकन हमारा, क्योंकि हाफ डन तो ये हो चुका है, 5-6 मिनट ये और लेगा। इसको हम ढक देते हैं थोड़ा सा पानी डाल के, 2-3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालते हैं। चले 3 टेबलस्पून कम से कम मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको ढकते हैं और मिलते हैं 5-6 मिनट के बाद। स्लो चूल्हा करके आपने इसको दम पे कर देनी है ताकि बहुत अच्छी तरह से आपकी चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। ये देखिए 6-7 मिनट हो गए, चिकन हमारी बिल्कुल डन हो गई है खूबसूरत से कलर के साथ। अब जो हमारे पास क्रीम हमने ली है 4 टेबलस्पून वो डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है इसका। चले जी, बिल्कुल रेडी होगी हमारी वाइट चिकन कढ़ाई, तैयार है हमारे मज़ेदार सी कढ़ाई। इसको आप नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, इसको एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो बहुत फैंटास्टिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।